हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर के बारे में। वहाँ इंडेक्स नंबर के हमने डिफरेंट फॉर्मूले, कई कई सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इंडेक्स नंबर को बनाने के, आपने देखा है पिछली वीडियो में। और ये सब मेथड आइडियल नहीं हैं। कौन से मेथड आइडियल हैं ज़रा इनके समझते हैं। इनमें जो फिशर का मेथड है, फिशर का जो मेथड है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का, उसे आइडियल कहा जाता है। क्यों आइडियल कहा जाता है? फिशर साहब ने दो टेस्ट प्रपोज किए थे, मतलब फिशर साहब ने दो टेस्ट किए थे। एक का नाम है टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरे का नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ज़रा ध्यान दो, एक टेस्ट का नाम है टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक का नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इन्होंने दो टेस्ट किए थे और ये टेस्ट में कहा था कि जो मेथड इन टेस्ट में खरा उतरेगा, मतलब जो मेथड इन टेस्ट को पास कर देगा, वो मेथड आइडियल कहलाएगा, वो मेथड अच्छा कहलाएगा। तो ये जो फिशर का मेथड है वो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर के मेथड को आइडियल कहा जाता है। इसलिए फिशर के मेथड के साथ फिशर आइडियल इंडेक्स लगाया जाता है। ज़रा आज डिस्कस करते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। ज़रा पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? टाइम को रिवर्स करो, मतलब जो इंडेक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में सेम आंसर देता है उसको आइडियल माना जाता है। मतलब ज़रा आपको याद होगा फिशर का मेथड क्या है। फिशर्स इंडेक्स का फॉर्मूला याद होगा आपका। फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला है P01 इक्वल टू अंडर रूट P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 P0 Q1, रूट के बाहर 100 था। फिलहाल 100 को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। यह है P01 फॉरवर्ड, मतलब 2018 को हमने बेस ईयर माना P0, 2019 को हमने करंट ईयर माना P1। देखो, पीछे से आगे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड हो गया है। तो अच्छा, अगर बैकवर्ड करें, आगे से पीछे जाएं, तो इंडेक्स क्या होगा? 10 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा? सबको रिवर्स कर दो, 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो। ज़रा देखो, P0 Q1 उल्टा और P1 Q1, ठीक है, रिवर्स हो गया। इनटू यहाँ पे रिवर्स करो, P0 Q0 यहाँ पर P1 Q0, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। देखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहते थे फिशर साहब कहते थे P01 मतलब फॉरवर्ड और P10 मतलब बैकवर्ड, दोनों को मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं ये मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है या नहीं होता, ज़रा समझते हैं। दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर लिख रहा हूँ, P01 इंटू P10 इक्वल टू P01 ये रहा, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ठीक है, इंटू करूँगा, इंटू लगा के ये वाला लिखूँगा। अच्छा, मैं चाहूँ तो एक ही रूट में ले लूँ इसको, क्योंकि इंटू लगा है, एक ही रूट में ले लेते हैं। तो क्या होगा, ज़रा देखो, P0 Q1 P1 Q1 इंटू P0 Q0 P1 और Q0, ठीक है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ज़रा आगे देखते हैं क्या होता है। 1 के इक्वल आना चाहिए तो टेस्ट सेटिस्फाई होगा। ज़रा देखो, P0 Q0 मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से कट गया, ठीक है, एक बचा P1 Q1 P1
पी वन क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू ज़ीरो देखो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ भी एक बचा, ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सब कट गया तो रूट में वन बचा, वन की वैल्यू वन, इसका मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। समझ आया आपको? इसका मतलब फिशर का मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। अच्छा देखते हैं कोई और मेथड भी सेटिस्फाई करता है का? ज़रा लास्ट पेयर का मेथड चेक करते हैं, ठीक है इसे मैं मिटा देता हूँ। लास्ट पेयर मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करते हैं। लास्ट पेयर मेथड का फॉर्मूला था पी ज़ीरो वन इक्वल टू पी वन क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो इंटू हंड्रेड, हंड्रेड को फिलहाल कर दो साइड आप, कर दिया ठीक है। ये है फॉरवर्ड, ज़रा बैकवर्ड निकालो इसका, बैकवर्ड निकालोगे वन ज़ीरो चेंज करो, मैंने जो बताया था पी ज़ीरो क्यू वन पी वन क्यू वन, ठीक है दोनों का मल्टीप्लाई करो, चेंज ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है अब मल्टीप्लाई करो पी वन ज़ीरो इंटू पी ज़ीरो वन, चेक करते हैं वन की कुल आ रहा है नहीं आ रहा है, पी वन क्यू ज़ीरो और पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो इंटू पी ज़ीरो क्यू वन पी वन क्यू वन, देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है या ज़ीरो है यहाँ हमारे, नहीं क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये वन के इक्वल नहीं आ सकता, जब तक कैंसिल नहीं होगा तो वन के इक्वल कैसे आएगा, इसका मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आई समझ बात आपको? इसी तरह से आप चेक करो बाउले सेटिस्फाई करते हैं क्या, लास्ट पेयर चेक कर, लास्ट पेयर मैंने कर दिया, पास्ट चेक करना आप, फिशर मैंने कर दिया है तो इसका मतलब फिशर का मेथड सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ये समझ आ गया आपको यहाँ पर। अब दूसरे टेस्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दूसरा टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये टेस्ट भी प्रोफेसर फिशर ने ही किया था, ये कहा था उन्होंने जो मेथड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करेगा उसको आइडियल माना जाएगा। जरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जानने से पहले आप पहले एक बात देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, इक्वल टू वैल्यू, मतलब अगर आपने दस रुपये प्राइस पर आपने दो पेन खरीदे तो आपके पेन की वैल्यू या खर्च कितना हो गया, वैल्यू को खर्च भी कहते हैं हम, एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कितना हो गया 20, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू होता है, ये बात सच है ठीक है। जो मेथड ये बात सच कर दे, मतलब ये बात प्रूफ कर दे, वो मेथड सही होगा ठीक है, इसी को बोला गया है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू, मतलब देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पर, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू, मतलब प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू होना चाहिए क्या, वैल्यू इंडेक्स V01, मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई करो इसका क्वांटिटी इंडेक्स के साथ, और अगर ये आ जाए किसके इक्वल, वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाए तो ये बात सच है ठीक है। ज़रा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा ज़रा देखो, जैसे लास्ट पेयर का मेथड था, लास्ट पेयर मेथड का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, पी ज़ीरो ने अभी मैंने लिखा भी था, पी वन क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, ये प्राइस इंडेक्स है। अगर मुझे इसका क्वांटिटी इंडेक्स लिखना है, ज़रा देखो प्राइस को रिप्लेस कर दो क्वांटिटी से, क्वांटिटी को रिप्लेस कर दो प्राइस से, ज़रा देखो यहाँ पर आ गया क्वांटिटी क्यू वन और नीचे क्यू ज़ीरो क्वांटिटी, और यहाँ पर प्राइस पी ज़ीरो पी ज़ीरो,
ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स, समझ आ गया आपको। अच्छा वैल्यू इंडेक्स क्या होता है ज़रा समझ लो। वैल्यू इंडेक्स अलग अलग नहीं होता, कभी सोचो अब लास्ट ईयर में अलग होगा, पास्ट ईयर में अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू इंडेक्स क्या है ज़रा समझ लेते हैं आप। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होगा करंट एक्सपेंडिचर या करंट वैल्यू अपॉन में बेस वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू। करंट ईयर वैल्यू कैसे निकलेगी, करंट ईयर में आपने किस प्राइस पर क्वांटिटी खरीदी है, पी वन प्राइस पर क्यू वन क्वांटिटी खरीदी है, और बेस ईयर में पी जीरो प्राइस पर क्यू जीरो क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आ गया। ज़रा दोबारा मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, ज़रा ध्यान दो आप। ये फॉर्मूला ये कहता है जो प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू पी वन क्यू वन पी जीरो क्यू जीरो, जो ये चीज़ सेटिस्फाई कर दे उसको बोलेंगे कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया है, वो मेथड बेस्ट कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा। ज़रा चेक करते हैं लास्ट में मेथड सेटिस्फाई करता है क्या। लास्ट पेयर मेथड, टेस्टिंग लास्ट पेयर मेथड, देखो पी जीरो वन इंटू क्यू जीरो वन किसके इक्वल आना चाहिए, पी वन क्यू वन पी जीरो क्यू जीरो। पी जीरो वन की वैल्यू ये रही, पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो इंटू क्वांटिटी इंडेक्स की वैल्यू ये रही क्यू वन पी वन पी जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो और पी जीरो। ठीक है, ठीक है, ज़रा कुछ कट पीट सकता है क्या यहाँ से, नहीं यहाँ से नहीं, इसका मतलब ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा, वी जीरो वन के इक्वल नहीं आ सकता। इधर देखो आप चेक करो, इसका मतलब लास्ट ईयर डज नॉट सेटिस्फाइड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका मतलब लास्ट ईयर मेथड ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है ना टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता, तो ये तो अच्छा मेथड है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप बाउले का चेक करना, लास्ट पेयर हो गया, पास्ट ईयर का चेक करना, पास्ट ईयर का मेथड भी ना टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तीसरा मेथड है फिशर, मैंने अभी बताया है फिशर का मेथड जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। चेक करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है क्या। टेस्टिंग फिशर्स मेथड, फिशर मेथड का पी जीरो वन बताओ क्या है, अभी लिखा था पी वन क्यू जीरो सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू वन पी जीरो क्यू वन, ठीक है, इंटू हंड्रेड हटा देते हैं। अब ज़रा इसका क्वांटिटी इंडेक्स निकालो, मैंने बताया प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, प्राइस को क्वांटिटी, क्वांटिटी को प्राइस। ज़रा देखो यहाँ पर क्यू वन नीचे भी नीचे क्यू ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर प्राइस करो पी ज़ीरो पी ज़ीरो, ठीक है, दूसरा क्यू वन क्यू ज़ीरो प्राइस देखो क्वांटिटी आ गया पी वन, ये भी आ गया आपका। दोनों को चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ज़रा चेक देखते हैं। पी ज़ीरो वन इंटू क्यू ज़ीरो वन, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लूँगा मैं, ज़रा देखो आप पी वन क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो सिग्मा पी वन क्यू वन पी ज़ीरो क्यू वन इंटू ये क्यू वन पी ज़ीरो सिग्मा क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो। सिग्मा क्यू वन पी वन और क्यू ज़ीरो पी वन, ठीक है, ये सारी वैल्यू क्यू ज़ीरो पी वन। ठीक है,
अब ज़रा चेक करो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है पी वन क्यू ज़ीरो, यह है पी वन क्यू ज़ीरो, इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसे देखो ज़रा क्यू वन पी ज़ीरो, क्यू वन पी ज़ीरो, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ज़रा आगे क्या बचा है ज़रा ध्यान दो आप, पी ज़ीरो वन इंटू क्यू ज़ीरो वन इक्वल टू, देखो यहाँ बचा है पी वन क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू ज़ीरो, अच्छा यहाँ क्यू वन पी ज़ीरो है। आपको पता है x को y से इंटू करो, चलो आपको पता है 2 को 3 से इंटू करो 6 आता है, 3 को 2 से इंटू करो तो भी तो 6 आता है, तो p आगे हो या q आगे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब ये हो गया पी वन क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू वन, सॉरी पी वन क्यू वन, पी वन क्यू वन का स्क्वायर, सही है, दो है ना स्क्वायर। ज़रा नीचे देखो पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, तो यहाँ पर हो गया पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो का स्क्वायर, और पूरा क्या है रूट के अंदर। देखो दोनों पे स्क्वायर आ गया, दोनों पे स्क्वायर आ गया तो मैं चाहूँ तो एक ही बार स्क्वायर लगा सकता हूँ, ऐसे स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या निकल के आया, पी वन क्यू वन पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो। देखो हो गया प्रूफ, इसका मतलब इक्वल टू किसके आ गया, वैल्यू इंडेक्स, इसका मतलब पी ज़ीरो वन क्यू ज़ीरो वन इक्वल टू वी ज़ीरो वन। आपने देखा कि फिशर का मेथड जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर के मेथड को आइडियल मेथड माना जाता है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लास्ट ईयर और पाश्चे दोनों ही मेथड, दोनों ही टेस्ट में से कोई भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए वो आइडियल नहीं है, ठीक है। आपको समझ आया होगा ये, आप इसके अपने बुक के क्वेश्चन कीजिए और इस टॉपिक को ज़रूर याद रखना। अगर मैं आपको बता देता हूँ बी कॉम में या जो भी ग्रेजुएशन के आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें स्टैटिक्स होती है, वहाँ पर ये थ्योरी में ज़रूर पूछता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या हैं और कौन सेटिस्फाई करता है, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ये, तो आप इसको ना एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप अपनी बुक के क्वेश्चन कीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।